गोसाईगंज पुलिस का कारनामा उजागर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला ने लगाए पुलिस पर कई गंभीर आरोप। आपको बता दें, महिला ने थर्ड डिग्री के इस्तेमाल का लगाया आरोप और स्मैक के कारोबार में संलिप्त पाई गई महिला। तो महिला ने सांसद कौशल किशोर से भी मांगी मदद और पीड़िता महिला ने लगाई उच्चाधिकारियों से गुहार। आपको बता दें, पुलिस के कारनामे को लेकर लगाई गुहार और गोसाईगंज के गुदौली गांव की रहने वाली है ये महिला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला ने थर्ड डिग्री के इस्तेमाल का लगाया आरोप, स्मैक के कारोबार में संलिप्त पाई गई महिला, ये पुलिस का कहना है। तो महिला ने सांसद कौशल किशोर से मांगी मदद, पीड़िता महिला ने लगाई उच्चाधिकारियों से गुहार। आपको बता दें, पुलिस के कारनामे को लेकर लगाई गुहार और गोसाईगंज के गुदौली गांव की रहने वाली है ये महिला। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, गोसाईगंज पुलिस का कारनामा उजागर हुआ है। महिला ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। जय कृष्ण हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय कृष्ण, क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। पर अत्याचार करने वाली राजधानी लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस का नया कारनामा सामने आया है, जहां पर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सराय बुदौली गांव में रहने वाली रेणु नाम की महिला ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे पर फंसाने के साथ थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक, पुलिस ने लगभग एक साल से बंद पड़ी गुमटी में स्मैक बरामद कर महिला को फर्जी तरीके से हिरासत में लिया था। उसके बाद थाने में बैठा कर जमकर पीटा। के बाद जब महिला की हालत नाजुक बन गई, उसके बाद पुलिस ने महिला को धमकी देते हुए थाने से छोड़ दिया। और वहीं महिला ने क्षेत्रीय सांसद कौशल किशोर पहुंचकर उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि जबरन उसे स्मैक के आरोप में फंसाया जा रहा था और पुलिस ने थाने ले जा करके उसे बेरहमी के साथ जमकर पीटा। जय कृष्ण, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, महिला ने जिस तरह से जो उच्च अधिकारी है, वन स्टॉप सेंटर के जो अधिकारी है, उनसे गुहार लगाई है। क्षेत्रीय सांसद कौशल किशोर से गुहार लगाई है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। और जो यहाँ लखनऊ की डीजीपी साउथ है, जिनके अंडर में थाना क्षेत्र आता है, उनसे भी बातचीत की है, वो भी कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये है कि जिस तरह से गरीबों पर लगातार पुलिस के अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद लखनऊ कमिश्नरेट में अगर ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार को लेकर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। हालांकि अभी तक पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर महिला कहीं ना कहीं काफी नासाज बनी हुई है। बिल्कुल जय कृष्ण, आगे भी आपको आपसे इस खबर पर लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, गोसाईगंज पुलिस का कारनामा उजागर हुआ है। और अगली बड़ी खबर